दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर यश एस विश्वकर्मा, त्रिवेणी रोड प्रयागराज से। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी में काफ़ी सारे वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं और हमें आपको बताना ये है, 2 से 3 चीज़ों की सावधानी हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को करनी है। पहली चीज़ ये कि यदि बार बार जॉन्डिस हो रहा है, एस बाइलिरुबिन, टोटल बाइलिरुबिन, डायरेक्ट बाइलिरुबिन यदि बढ़ रहा है, तो आपको हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराने की तुरंत ज़रूरत है। और यदि ये बढ़ा हुआ निकलता है, दवा आप करते हैं किसी डॉक्टर से, तो आप तुरंत हेपेटाइटिस बी का जो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन होता है, HBsAg, इसको आप कराइए। सेकेंड टेस्ट है ये, जो ही ये अगर पॉजिटिव आता है त्यों ही आप सरफेस एंटीजन और वायरल लोड करवाइए। ऐसा तो नहीं है कि कुछ पेशेंट का फ़ोन आता है, करोड़ों में वायरल लोड है, रिपोर्ट रखी मेरे पास, 12 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, 1 करोड़ है। हो सकता है आपका 2-4, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, जो भी हो, एक क्वांटिटी हो, तो इससे ये डिटेक्ट होता है कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं इस बीमारी में। अगर 2-4, 5 हज़ार, 10 हज़ार के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये वायरल लोड करोड़ों में है तो आपको तुरंत वायरल लोड कम करना है, चाहे आयुर्वेदिक दवा करें, आप एलोपैथिक करें, कुछ भी करें, परहेज पे रहना है, ऑयली ग्रीसी चीज़ को अवॉइड करना है, तीखा मसाला नहीं खाना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बस इतना ही बताने वाले हैं कि आपको टेस्ट कब कराना चाहिए। या पेट हमेशा गड़बड़ है आपका, पेट बार बार दर्द हो रहा है, हाँ बार बार जॉन्डिस हो रहा है, या पेट में इशू बना हुआ है कुछ ना कुछ, तो आप हेपेटाइटिस बी का टेस्ट जरूर कराएं। ये बहुत आवश्यक है आपके लिए, समय रहते बीमारी डिटेक्ट हो जाए और समय रहते उसका उपचार हो जाए। बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।